अरे कपिल भाई, जरा इधर आओ, जल्दी आओ यार। हाँ भाई। अरे यार, ये लोग हमने जुड़वा समझते हैं, हमसे कर इन्हें बताओ यार। अरे यार, तुम लोग ये भी नहीं समझते यार, ये सब एक ऐप का कमाल है। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग हमारी इस वीडियो को देखकर चौंक रहे होंगे, सोच रहे होंगे ये सब कैसे हो रहा है। पहले इनसे मिलिए, यह है कपिल। हाय दोस्तों। दोस्तों, हैरान होने वाली कोई बात नहीं है और मैं आपको बता देता हूँ इस टाइप की वीडियो कैसे बनाई जाती है। अगर आप भी ऐसी वीडियो बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा जानकारी दूंगा कि डबल रोल वाली वीडियो कैसे बनाते हैं। बहुत ही आसान तरीके से आप लोग फटाफट 2 मिनट में ही सीख जाएंगे। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको वीडियो को रिकॉर्ड करना पड़ेगा एक तरफ से, मतलब कैमरा आप रख दीजिए और एक तरफ खड़े होकर आप वीडियो को रिकॉर्ड कीजिए। जैसा आप चाहें वैसे आप वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके ठीक बाद आपको क्या करना है, वीडियो को उतना ही रोक देना है और फिर ठीक ऐसे ही आपको जो है दूसरी एक्टिंग करके वीडियो को दूसरी तरफ खड़े होकर आपको वीडियो को रिकॉर्ड करना है। तो इसी बस इतना ही आपको रिकॉर्डिंग करना है। रिकॉर्डिंग करने के बाद बस वीडियो को बंद कर दीजिए और इसके बाद आती है वीडियो एडिट कैसे करना है। तो दोस्तों, जैसे ही वीडियो आप रिकॉर्ड कर लेंगे उसके बाद आता है वीडियो को एडिट कैसे करना है। तो वीडियो को एडिटिंग करने के लिए मोबाइल में काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप प्ले स्टोर से जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद इसे ओपन करने के बाद यहाँ प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ बीच वाली स्क्रीन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम बीच वाली स्क्रीन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। इसके बाद हमें यहाँ मीडिया ऑप्शन पर क्लिक करना है और मीडिया ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद जहाँ पर हमारी वीडियो सेव है, मतलब मैंने दो दो बार में जो है वीडियो रिकॉर्ड की थी, तो सबसे पहली वाली वीडियो होगी जिसे हम ओपन कर लेंगे। यहाँ पे जाएंगे और ओके कर देंगे। चलिए, यहाँ पे हमारी वीडियो ओपन होके आ गई है, मतलब पहली वीडियो। चलिए हम इसे प्ले करके देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अभी कोई नहीं आया मेरे बुलाने से, तो ऐसे नहीं आएगा, इसे बुलाना पड़ेगा। तो बुलाना कैसे पड़ेगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इसमें अभी ऑन मैंने वॉइस तो नहीं लगाई है, वॉइस बाद में लगाना है आपको। तो देखिए, सबसे पहले वीडियो को वहाँ तक प्ले करेंगे जहाँ तक जो है मैंने यहाँ पर बुलाया है। चलिए, मैंने यहाँ पर बुलाया है और यहाँ पर हम वीडियो को रोक देंगे। रोकने के बाद क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ लेयर पर क्लिक करेंगे और यहाँ सबसे ऊपर मीडिया ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें उस दूसरी वाली वीडियो को लेकर आना है जो मैंने दूसरी वीडियो रिकॉर्ड की थी। तो चलिए, मैं यहाँ पर दूसरी वाली वीडियो को ओपन कर लेता हूँ। इसके बाद हम यहाँ ओके करते हैं। तो अब क्या होगा दोस्तों, देखिए वीडियो प्ले करते हैं। तो दोस्तों, ये मैं उसी के ऊपर चलने लगा, मतलब मेरी वीडियो पीछे वाली जो है पीछे दब चुकी है। तो इसे हमें कैसे ऊपर के लिए लाना है, तो सबसे पहले यहाँ नीचे वाली वीडियो पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर बीच में कैंची के बराबर में स्क्रीन का बटन है, यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम ये हाफ़ वाला लगा देंगे। इस साइड का, इसका नहीं लगाना है, इस साइड का लगा देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आधा आधा पार्ट हमारी वीडियो का हो चुका है। उसके बाद हम यहाँ ओके कर देंगे और इसके बाद हम इस वीडियो को फिर से प्ले करेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे डबल रोल वाली वीडियो बना दी है और बस इसमें अब वॉइस लगाने की बात आती है। तो वॉइस लगाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे वॉइस का बटन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और जहाँ से आपको जैसी वॉइस लगानी है स्टार्ट पर क्लिक करके अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर देंगे। जैसे कि मैंने अपनी वीडियो में बोला था वैसे ही आप भी बोल सकते हैं या कुछ और भी वॉइस लगा सकते हैं। तो दोस्तों, यही थी कुछ जानकारी। और इस वीडियो को जो है अगर आपको सेव करें तो सेव करने के लिए आपको यहाँ शेयर के बटन पर क्लिक करना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ एक्सपोर्ट पर क्लिक करना पड़ेगा, तो आपकी वीडियो आपकी गैलरी में सेव होने लगेगी। तो दोस्तों, ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए और हम मिलते हैं आपसे फिर एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।